आगे रोड खराब यही कही उधर में तो। हाँ जी हेलो गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हम गाइस निकले हैं एक छोटी सी राइड पे। अभी मैं जा रहा हूँ ससुराल जो कि यहाँ से है 13 किलोमीटर्स दूर गाइस, तो हमारी एक छोटी सी राइड भी हो रही है। इसी बहाने मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग भी बना लेते हैं गाइस। काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा है आज, काफ़ी दिनों बाद रोड सूख चुका है, कहीं कहीं जगह गीला है अभी भी, बट इट इज़ कन्वीनियंट फॉर राइडिंग। और गाइस धूप निकल गई चुकी है आज, और इसी धूप के साथ हम भी निकल पड़ते हैं थोड़ा राइड पे। अभी अमित की दुकान भी आने वाली है। द सिरमौरी लैंड लूप पर छोटा भाई अपना ये रही अपनी 250। फिर आया मैं जरा ससुराल तक जा रहा, मिलता हूँ आपसे मिलता। कैसे हैं जी? और ये टिकर है गाइस, यहाँ पे नीचे मंदिर है हमारी माता का, जय माता की। और यहाँ हमारे सराहा का कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सराहा। आगे से रोड जाता है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, आपको कभी लेके चलेंगे। जय हो साईं बाबा की जय जय। और जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ अपने ससुराल, काफ़ी लोगों ने आपने सुना होगा बुरेश्वर महादेव मंदिर, बुरेश्वर के नाम से बहुत फेमस है, तो उसके बिल्कुल अपोजिट में मेरी ससुराल है। सामने दिखता है वहाँ से मंदिर, आपको दिखाऊंगा थोड़ा मैं। कभी आपको बुरसिंह भी लेके चलेंगे गाइस, बुरेश्वर महादेव टेंपल का आपको पूरा ब्लॉग लेके आएंगे कभी आपके लिए, अच्छे से पूरा पूरा ग्रुप लेके चलेंगे। आप लोगों के लिए गाइस एक न्यूज़ भी है, एक हमने ग्रुप स्टार्ट किया है अपना राइडिंग ग्रुप, नॉर्दर्न मोटोहोलिक्स करके है। तो अगर हमारा जो कोई भी राइडर जो मुझे जानता है अच्छे से और नहीं भी जानता, हमारे लोकल में है और चाहता है कि वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है हमारा, तो गाइस मुझे डीएम करें या द सिरमौरी लैंड लूप पर अमित ठाकुर उसको डीएम करें गाइस, और आपको हम अपने ग्रुप में ले लेंगे अगर आप एलिजिबल हुए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए सबसे पहली बात, और गाइस प्रॉपर सेफ्टी गेयर्स यूज़ करने चाहिए आपको, हमेशा हमेशा आपको हेलमेट यूज़ करना चाहिए, हमेशा आपको ग्लव्स यूज़ करने चाहिए। अगर आप और नहीं कर पा रहे हो यूज़, तो ग्लव्स और हेलमेट तो आपको हमेशा मस्ट है कि आप यूज़ करें, क्योंकि अगर जैसे हम अभी 40-42 की स्पीड में चल रहे हैं, कोई साला रॉन्ग ही आ जाए तो दिक्कत पड़ जाती है, एक सेकेंड में लेने के देने पड़ जाते हैं। तो हमेशा अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, शादी है किसी के साथ।
आगे रोड ख़राब, तो ऐसी सिचुएशंस में पहले ही ब्रेकिंग कर लें। ऐसे जगह पे जाके ब्रेकिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे स्किड भी हो सकती है। और गाइस यहाँ से आप ब्रशिंग के लिए मुड़ सकते हैं, मैं भी ससुराल को यहीं से जाऊँगा, और जो भुरेश्वर महादेव का टेंपल का जो रास्ता है वो भी यहीं से जाता है। बस मैं राइट टर्न लूँगा, आपने लेफ़्ट जाना है, मैं दिखा दूँगा अभी आपको। यहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़ता है सिर्फ टेंपल। पूरी फैसिलिटी है आपको रोड के ऊपर तक, आराम से जा सकते हैं आप। थोड़ा कच्चा रोड है, पक्का होने वाला है गाइस ये थोड़े टाइम में। अभी काम चल रहा था, बट अभी अब जब गर्मी आएंगे फिर से बारिशों के कारण थोड़ा काम रुक चुका था, फिर रोड पक्का होने वाला है। तो अगर आप जा रहे हो भुरसिंह, भुरेश्वर महादेव टेंपल, तो आपको जाना है यहाँ से लेफ़्ट। अभी मुझे जाना है अपने ससुराल, तो मैं जा रहा हूँ अभी ऊपर, आपको वहाँ किसी दिन और लेके चलेंगे। जय शिव शंभु, ओम नमः शिवाय, जय जय श्री गुरु महाराज। काफी खराब है यहाँ पे, और आरसी आराम से निकल जाएगी। यस, कोई दिक्कत नहीं आई बिल्कुल भी। पानी भर जाता है यहाँ पे भी रोड पे, ठीक होना है रोड बट अभी नहीं हुआ। और ये रहा गाइस मेरी वाइफ का घर, मेरा ससुराल, सामने भुरेश्वर महाराज दिखते हैं बिल्कुल सामने। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो रुको जरा, सबर करो, ठीक है, बाय बाय। और गाइस अब चलते हैं वापस की तरफ सराहा। थोड़ा ठंडा हो चुका है मौसम, जब मैं आया था तो धूप लगी थी काफ़ी, बट अब मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है। और गाइस कल आपने जैसे हमने अभी सेटअप किया था अपना पूरा, तो देख सकते हैं आप कैसी वीडियो बन रही है, कैसी आवाज़ आ रही है, और कमेंट करके बताइए 0% विंडो एस है या नहीं है। आपको लग रहा है कि विंडो एस आ रहा है वीडियो में तो भी बताइए, कोई दिक्कत लग रही है वो भी बताइए। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। यही कही उसर में तो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। यही रहता हूँ मैं तो, सब कुछ है। हाँ जी सर, आपको तो सब कुछ दिखाया हुआ मैंने पहले, यही का तू मैं। हाँ जी दिखा दूंगा सर, दिखा दूंगा। कैसे सर?
कैसे मतलब कहाँ तक? रेंज तो काफ़ी होती है सर इसकी। एक मिनट सर, नहीं मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, हम तो मतलब यहीं के लड़के ना, हमारा तो काफ़ी बार देखा हुआ है ना पहले भी ऐसे ऐसे चलने। हाँ जी हाँ जी, मैं दिखा दूंगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये लो जी सर, मतलब हम तो सर YouTube पे वीडियो भी डालते हैं ना पूरी, तो हम तो पूरी सेफ्टी के साथ ही रहते हैं सर, सब कुछ है मतलब अपने पास। जलवा है हमारा, एशियन कॉलोनी में घर है मेरा। हाँ नहीं नहीं, ये श्री वीरेंद्र कुमार अत्री एशियन, ये आपके पटवार खाने का मेरा ही घर था। शेखर अत्री हुआ यार, मतलब आपने पछाड़ा नहीं होना, अभी पैकिंग में होना। हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। काफ़ी अच्छा काम कर रही है गाइस सराहां की पुलिस। मैंने उन्हें कहा कि आपने मेरा पहले चेक किया हुआ है लाइसेंस, तो आप देख लो, पर उन्होंने कहा कि नहीं। फिर दिखा दे यार, क्या दिक्कत जा रही है, तो मैंने दिखा दिया, उन्होंने नॉर्मली मुझे जाने दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए गाइस है, तो आप हमेशा पुलिस को कोऑपरेट करें, तो आपको हमेशा कोऑपरेट करेगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज पहुंच चुके हैं हम घर, और आपके भाई ने अपनी बाइक को फ्लैश नाम दिया है गाइज, तो फ्लैश को अब डाल देते हैं उसकी जगह में। ये सामने हमारी फ्लैश का गैराज है, यहाँ पे आपके भाई की गाड़ी खड़ी होती है, और यहाँ जाएगी हमारी फ्लैश। बारिशों में बुरा हाल हो रखे हैं गाइज, हर तरफ पानी ही पानी, काफ़ी गंदी हो रखी है फ्लैश भी। धुलवाएंगे इसको, मौसम थोड़े ठीक हो जाए। तो अब चलते हैं गाइस घर की तरफ, अब हमारी बाइक हो चुकी है खड़ी।